प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज अपने ये सारा बोल कर लिखेंगे। अब अपने को एन आर तो आता है, तो उसके बाद क्या आएगा? आ से आम, इमली, फिर उसके बाद क्या आएगा? ई से ई, फिर ऊ से उल्लू और ऊ से ऊन, री से ऋषि, फिर ए से एड्डी आएगी, फिर आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, ऐसे खाली। अब अपने व्यंजन लिखेंगे। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी, अनैसे खाली। सभी बजाओ ताली। अब अपनी जो नई लाइन शुरू करी है, जो वो आपको जय जग तक तो आ गई, उसके आगे कुछ भी नहीं, मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जहाज भी होता है और जग भी होता है बच्चों, जैसे झंडा। अब आप कहोगे मैडम ने झंडा आज दिया है, नया शब्द है ये, तो झंडे में कुछ भी नहीं है। पहले आपको इमली आता है ना, इसको बना लिया, यहाँ एक डंडा लगा के इसको ऐसे कर दिया, न खाली में, न में, ये ऐसे करके सिंपल सा काम है, ठीक है। जैसे झंडा ने से खाली। अब बच्चों आपने ऐसे लेके ये ने खाली यहाँ तक आपको लिखना है, और एक पेज भर के पूरा लिखना है, पट्टे पे भी काम करना है, फिर आपको लिखना आ जाएगा ना, फिर अपने और आगे बढ़ेंगे। ये सारा बोल बोल के लिखना है, मेरे साथ साथ बोला करो। ऐसे अनार, आसे आम, इसे इमली, इसे ई, उसे उल्लू, उसे ऊन, डी से ऋषि, ऐसे एडी, ऐसे ओसे ओखली, औसे औरत, अंग से अंगूर, ऐसे खाली, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी, नैसे खाली, जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जग, जैसे झंडा, नैसे खाली। लिख के काम मुझे भेजा करो।